subject teacher for computer, and today we will discuss new chapter, chapter number 2, chapter name types of software. हम आज पढ़ेंगे chapter 2, types of software, मतलब software के प्रकार या software के kinds. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि what is the meaning of software, otherwise what do you mean of A software is a set of programs which control operations such as input, processing and output of the computer system. एक ऐसा प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम का एक ऐसा सेट होता है सॉफ्टवेयर जो कि सारे ऑपरेशंस, जैसे जो इनपुट किया गया, जो प्रोसेसिंग किया गया, जो आउटपुट किया गया, उसको पूरा कंट्रोल करता है. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, द बाइनरी सिस्टम, द बाइनरी डिजिट. एक्चुअली आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने पहले के क्लासेस में अगर पढ़ा हो, कंप्यूटर कोई एबीसीडी लैंग्वेज नहीं समझती. कंप्यूटर कोई फीलिंग्स तो होती नहीं उसकी. दे हैव नो फीलिंग, इट हैज नो फीलिंग, नो इमोशंस, नो आईक्यू, नो सेंस. कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है जिसको बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज. अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी लैंग्वेज. तो बाइनरी लैंग्वेज मीन 0101 0101 0101, मतलब कैसे चलता है बाइनरी लैंग्वेज, 0101 0101 0101, दीज आर द बाइनरी लैंग्वेज. अगर आप कहते हैं गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, इफ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बट कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिकॉज कंप्यूटर डोंट नो द लैंग्वेज एबीसीडी ई आर जी एच. ये जो आपने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी 0101 0101 के फॉर्मेट में कंप्यूटर के पास गया. और ये जो सारे ऑपरेशंस को सेट करता है, जो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल ऑपरेशन सच एज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग तीनों को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो इन पेज नंबर 19. अ सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, इट इज इंस्टॉल इन द कंप्यूटर. देखिए कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पहले से ही कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको आप बाद में इंस्टॉल कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये जो माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब आपको पहले से ही इंस्टॉल मिलेंगे. जैसे मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सब आपको पहले से ही मिलेगा. गूगल वगैरह, गूगल क्रोम वगैरह, ये सब आपको पहले से मिलेगा. बट अगर आप कोई एक्स्ट्रा कुछ उसमें डाउनलोड कराना चाहते हैं, सपोज कि आपने कुछ विंडो 7 की जगह विंडो 9 भी लेना है, विंडो 10 भी लेना है, कुछ ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अलग से इंस्टॉल कराना पड़ेगा. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, इट्स ऑल्सो इट इज इंस्टॉल इन द कंप्यूटर, मतलब सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ उससे आप अपना काम करवा सकते हैं. ठीक है, इट मीन्स द कंप्यूटर अ मल्टीटास्किंग मशीन. सिर्फ सॉफ्टवेयर ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कंप्यूटर मल्टीटास्क करता है. अगर आपने उसको एडिशन दिया, एडिशन कर लेगा, गाना सुनने के लिए गाना प्ले किया, गाना गाने लगेगा. अगर आपने कोई मूवी प्ले किया, मूवी दिखने लगेगा, मूवी देखते देखते आप ड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ ड्रॉ करने लगेगा. तो ये जो मल्टीटास्कर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की वजह से ही होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क. कई तरह के सॉफ्टवेयर कई तरह के टास्क के लिए बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली. जैसे कि एमएस एक्सेल से आपका रिजल्ट बनता है. एमएस एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है, इससे क्या बनता है, आपका रिजल्ट बनता है. एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे आपके रिजल्ट के सारी चीजें बखूबी बनके रेडी हो जाती है. एमएस पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, जो बड़े बड़े ऑफिस में, बैंक्स में, सब जगह यूज होता है. अ सॉफ्टवेयर लेट अस इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर एंड गिव अस कंट्रोल ओवर देम. हार्डवेयर को कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर अपने तरीके से. अब अगर आपने सीपीयू का बॉक्स लाके रख दिया, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं, सीपीयू खुद से काम ही नहीं कर सकता. जब तक उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक हार्डवेयर का कोई मतलब ही नहीं बनता है. हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते. बट विदाउट सॉफ्टवेयर यू कैंट यूज हार्डवेयर.
So software is a set of program which control operations such as input, processing, output of the computer system. Some software features are: a software cannot be touched, it is installed in the computer system. It makes a computer a multitasking machine. Different types of software are used for different tasks. A software let us interact with the hardware and give us control over them. अब कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देयर आर टू. अब इफ आई आस्क इन योर एग्जामिनेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, देन यू विल हैव टू गिव द आंसर टू मी, दैट इज there are two types of software, that is system software and application. System software and application software, these are the two types of software. As you can see in page number 19 in your book, you can see in the book types of software, that is system software and application software. Okay students, ab system software ke bhi three types hote hain. There are three types of सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री टर्म्स: ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू टर्म्स, दैट इज जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कस्टम सॉफ्टवेयर. How many types of software are there? There are two types of software, that is system software and application software. मतलब दो तरह के होते हैं software, system और application. But system software को भी तीन भागों में बांटा गया है: operating system, then programming. You can see in the book page number 19. Operating system, प्रोग्रामिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा गया है, दैट इज जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कस्टम सॉफ्टवेयर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? अ सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. मीन्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए ही सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है. इट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट मेक्स द हार्डवेयर वर्क्स. मतलब ये एक कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से हार्डवेयर काम करता है. अ कंप्लीट सिस्टम हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज इफ वी डू नॉट इंस्टॉल द नेसेसरी सॉफ्टवेयर. सिस्टम का कोई भी हार्डवेयर, मतलब चाहे वो माउस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो सीपीयू हो, कुछ भी काम तब तक नहीं कर सकता जब तक आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो. इवन कि गेमिंग सॉफ्टवेयर भी आता है, अगर आप जीआरएस का गेमिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो यू कैन प्ले द गेम वेरी इजीली. बट ज्यादा गेम मत खेलिएगा क्योंकि इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, ठीक है ना. गिव 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन यू एंड कंप्यूटर. So again I am repeating, a software is a set of program which control operations such as input, processing and output of the computer system. मतलब तीन तरह से ये चीजों को control करता है, that is input, processing and output. और इसके features है: cannot be touched, it is installed in the computer system and it makes the computer multitasking machine. बहुत सारे काम एक साथ हो सकता है अगर software install हुआ अच्छे से तो. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कामों के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क. एंड अ सॉफ्टवेयर लेट अस इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर एंड गिव देम ओवर कंट्रोल. मतलब ये हार्डवेयर को पूरी तरह से कंट्रोल में करता है, कंट्रोल में रखता है और उसी की तरह से प्रोसेस भी कराता है. क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कोई यूज नहीं है, सिर्फ एक सिंगल डब्बा पड़ा रहेगा, ठीक है. सो रीड योर होमवर्क इज रीड चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 19, ओनली पेज नंबर 19. मैं बहुत स्लोली आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है. मैं आपको चैप्टर 1 और 2 फिर से रिविजन करवाऊंगी आफ्टर कम्प्लीटिंग द पोर्शन. मैं फिर से आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही रिविजन करवाऊंगी. बट आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, प्लीज रीड चैप्टर 2. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर चैप्टर 2, देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके देन, गुड डे. Have a good day. Thank you very much.